हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, आपका क्वांट एजुकेटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आईबीपीएस क्लरिकल के प्रीलिम्स के दोनों ही दिन खत्म हो चुके हैं और उम्मीद आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आप में से काफी लोगों ने अपने अटेम्प्ट शेयर किए हैं और मैं आप लोगों को ओवरऑल एक एनालिसिस बता सकता हूं, ओवरऑल मैं आपको अटेम्प्ट का आइडिया दे सकता हूं। कल से लेकर आज तक कुल मिला के 8 शिफ्ट में जो मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूं वो मेरे पास इवन 99 अटेम्प्ट के भी कुछ बच्चे आए हैं, 98 के भी आए हैं, 80s के भी हैं। काफी सारे बच्चों की रेंज 75 से ऊपर है, मैक्सिमम लोग 75 प्लस ही अटेम्प्ट करके आए हैं और जो ऑन एंड एवरेज आप मान सकते हैं कि ज्यादातर बच्चों जो अटेम्प्ट हुए हैं 83 से 89 91 ये रेंज रही है। कुछ शिफ्ट ऐसी हैं, सपोज करिए आप ये मत सोचिएगा कि एक शिफ्ट को टफ बता रहा हूं या एक को इजी बता रहा हूं। कुछ एक शिफ्ट है, जैसे कल थर्ड शिफ्ट जो फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं मैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं जो आईपीएस क्लर्क का डे वन की थर्ड शिफ्ट थी उसमें कुछ अटेम्प्ट गिरे थे बच्चों के, फोर्थ शिफ्ट में थोड़े बहुत अटेम्प्ट कम थे और सेकंड डे यानी कि आज भी कुछ शिफ्ट ऐसी रही है, एक या दो शिफ्ट ऐसी रही जिनमें कुछ अटेम्प्ट गिरे हैं, बाकी ओवरऑल लगभग सारी शिफ्ट सेम ही आई है। कुल मिला के 8 में से मान लीजिए 2 या 3 शिफ्ट ऐसी थी जिनमें थोड़े अटेम्प्ट कम हो रहे थे, बाकी लगभग सबका पैटर्न भी सेम रहा है। वही सीरीज इस बार क्वाइट मोनोटोनस पैटर्न बोलूंगा, वही अर्थमेटिक गिना चुना नंबर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाली चीज रही है, साथ ही साथ मिसिंग ऑब्लिक रॉन्ग रही है, एक डीआई ज्यादातर शिफ्ट में बार और लाइन ग्राफ ही है ज्यादातर शिफ्ट में वही आए हैं, तो ओवरऑल एक सिमिलर सा पैटर्न है। 2-3 शिफ्ट में कुछ ज्यादा थोड़ा चेंज हुआ है हल्का फुल्का क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल में।